माननीय अध्यक्ष जी, आज मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है कि मैं अपने जीवन में पहली बार संसद के सामने एक ऐसा अधिनियम में संशोधन लेकर आया हूं जो जलियांवाला बाग स्मारक संशोधन विधेयक 2019, जिस पर सदन से मैंने आग्रह किया है कि वो इस पर चर्चा करें। अध्यक्ष जी, वास्तव में जब जलियांवाला बाग की घटना घटी थी इस देश में 13 अप्रैल 1919, जब आज मैं ये प्रस्ताव संशोधन के लिए यहाँ पर रख रहा हूँ, तो मुझे एक बात लगती है कि सरदार ऊधम सिंह जो उस समय 5 वर्ष के थे, और जिनके भीतर उस नरसंहार के कारण उनके भीतर जो ज्वाला पैदा हुई, उसके कारण उन्होंने अपने 21 साल तक अपने भीतर दबा कर रखा और बाद में जाकर जनरल डायर पर गोली चलाई। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन 2 दिन पहले सरदार मैं आपके सामने और सदन के सामने, परसों सरदार शहीद सरदार ऊधम सिंह जी की पुण्यतिथि थी, मैं उन्हें नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं चाहता हूं कि सदन मेरा इसमें साथ दे कि एक 5 साल का एक बच्चा जलियांवाले कांड के उस नरसंहार को जब देखता है और 21 साल तक उस बात को अपनी छाती में एक आंदोलन के रूप में रखता है और देश से बाहर जाकर जनरल डायर पर गोली चलाता है, मैं समझता हूं कि आज का विधेयक का जो समय है, ये समय इस बात के लिए है कि वास्तव में ये उनको श्रद्धांजलि है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो संशोधन है वो संशोधन जलियांवाले बाग की जन्म शताब्दी, ये शताब्दी वर्ष है। इस देश को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि 100 वर्ष हो गए उस नरसंहार को, जहां पर महिलाएं, जहां पर बच्चे और जहां पर वो जलसा मनाने वाले लोग वहां पर इकट्ठे थे, ब्रिटानी हुकूमत की सेना ने उन पर निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थी, उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं आज दूसरी तरफ एक और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि 100 वर्ष में, शताब्दी वर्ष में, देश के प्रधानमंत्री का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस जिस नरसंहार में और जो शहीद हुए लोग हैं उनकी स्मृति में जहां एक तरफ लगातार वर्ष भर से कार्यक्रम चल रहे हैं, ये दुख का विषय है। और सिर्फ दुख का नहीं, कई बार चिंता होती है अध्यक्ष महोदय कि जो इस बात के ठेकेदार बनते हैं कांग्रेस के लोग, जिस महत्वपूर्ण बहस में वो यहां से बाहर जा रहे हैं, इससे ज्यादा दूसरी सर्वनाश बात नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि हमें यह भी तय करना पड़ेगा कि जो जो बिल आया है, अभी तक सरकारें आती हैं और सरकारें हर संस्था पर कब्जा करना चाहती हैं। मैं अपने सत्री प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग जिसकी शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसमें ये संशोधन लाकर इस सरकार ने जो कोशिश की है कि हमने राजनीतिकरण को अलग किया है और राष्ट्रीयकरण उस संस्था का करने का काम किया है, ये हमारी नीति है, ये हमारा विचार है। और इसके अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि जो संशोधन है मैं उनको पढ़ता हूं और उसके बाद ये चर्चा प्रारंभ हो। इसमें बहुत बड़ा संशोधन नहीं है, पहला है कि अधिनियम का नाम जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन अधिनियम 2019 होगा। दूसरा जो संशोधन है जलियांवाला बाग स्मारक अधिनियम में, वो धारा 4 और उसमें जो उसका खाइश है उसको लोप किया जाएगा, क्योंकि उसमें किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष का नाम था और चूंकि शताब्दी हो गई है और ये राष्ट्रीय स्मारक है, सिर्फ देश के लोगों के लिए नहीं, देश के बाहर भी हजारों और लाखों लोग हैं जो जलियांवाला बाग के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं और इसलिए इसको लोप किया गया है। इसी का खंड 6, उसमें पहले था कि लोकसभा का विपक्षी दल का नेता, तो उसमें जो संशोधन है कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के तौर पर मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष, या जहां ऐसा नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है तब उस सदन में सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता उसके स्थान पर सदस्य होगा। तीसरा जो संशोधन अध्यक्ष महोदय,
इसको वास्तव में तो ये धारा 4 के छाका हिस्सा था। पहले तो जो भी लोग सरकार की तरफ से न्यासी के तौर पर वहां नॉमिनेट होते थे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, लेकिन वो उसके बाद उसमें कोई तब्दीली नहीं होती थी। इसमें मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जा रही है, बशर्ते कि धारा 4 की उपधारा 1 के खंड 6 के अधीन नाम निर्देशित न्यासी का कार्यकाल केंद्रीय सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ये 3 छोटे संशोधन है अध्यक्ष जी, और मेरा आग्रह ये है कि हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि ऐसी संस्थाएं जो पूरे देश नहीं दुनिया में अपना स्थान रखती हैं उनका राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए बल्कि उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और इस प्रस्ताव की जो मूल मंशा है और मैं समझता हूं ये सरदार ऊधम सिंह जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि होगी जिनके 2 दिन पहले पुण्यतिथि थी। मैं चाहता हूं कि सदन इसको विचार करे और इसको सर्वसम्मति से पारित करे, ये देश के गर्व के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।